friend, our today's subject is English. And today we are going to learn about make words. आज हम लोग make words पढ़ेंगे. आज हम लोग कौन से words सीखेंगे? W, W for watch. W, W for watch. Watch means घड़ी. Watch, watch means घड़ी. X, X for Xmas. This is Xmas tree. इसको हम लोग क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं. ओके, एक्स फॉर एक्समस. डब्ल्यू फॉर वॉच. एक्स फॉर एक्समस. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वॉच? ऑल ऑफ यू रिपीट विद मी. डब्ल्यू फॉर वॉच. डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच. वंस अगेन, डब्ल्यू ए टी सी एच watch. Watch means घड़ी. What is the spelling of Xmas? X, फिर हम लोग ये छोटा सा डैश देंगे. ओके, एम ए एस, Xmas. ओके, X for Xmas. Now we will write it. ओके, let's start. पहले हम लोग W लिखेंगे. आप लोगों को पता है ना, थ्री लाइंस में लिखनी है. ओके, W, फिर हम लोग एक छोटा सा डैश देंगे. नाउ द स्पेलिंग ऑफ वॉच. W A T C H वॉच. W फॉर वॉच. W डैश, उसके बाद हम लोग वॉच की स्पेलिंग लिखेंगे. W A T C H वॉच. नेक्स्ट है X फॉर Xmas. X डैश. अब हम लोग एक्समस की स्पेलिंग लिखेंगे. यहां भी हम लोग एक्स लिख के एक छोटा सा डैश देंगे. उसके बाद लिखेंगे एम ए एस, एक्समस. एक्स फॉर एक्समस. वंस अगेन डैश. यहां भी हम लोग एक्स लिख के डैश देंगे. उसके बाद लिखेंगे एम ए एस, एक्समस. डब्ल्यू फॉर वॉच. डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच. वॉच मीन्स घड़ी. एक्स फॉर एक्समस. एक्स डैश एम ए एस, एक्समस. एक्समस मीन्स क्रिसमस ट्री. ओके, डब्ल्यू फॉर वॉच. एक्स फॉर एक्समस. इसको आप लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे. ये आपकी इंग्लिश नोटबुक है, इसमें आपको W फॉर वॉच आपको पूरे पेज में लिखना है. बहुत सारे बच्चे सिर्फ टू लाइंस या थ्री लाइंस लिखते हैं, लेकिन आपसे आप लोग पूरे पेज में लिखेंगे. ओके, मैंने सारे डॉट दिए हैं ना, तो आपको पूरे पेज में लिखना है. X फॉर एक्समस, ये भी आप लोग पूरे पेज में लिखेंगे. ओके, आधे हाफ पेज में नहीं लिखना है, आधा नहीं लिखना है. ओके, आप लोग को पूरे पेज में लिखना है. W फॉर वॉच. X फॉर एक्समस. ओके, और आप लोग जब भी लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे, तो आप लोगों को एक स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी. ओके, थैंक यू.